हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर पे पढ़ेंगे आज हम लेसन नंबर 8। क्या है? एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। बच्चों, इसके पहले लेसन नंबर 1 से 7 तक आप कंप्यूटर की जानकारी लिए हैं, उसमें बताया गया है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बताएंगे आप लोगों को। पहले ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपी, ये 4 पार्ट्स हम बना के रखे हैं। किसका? कंप्यूटर का। 4 पार्ट्स कंप्यूटर का, इसका मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है टीवी जैसा, ये कंप्यूटर नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम? सिर्फ मॉनिटर। मतलब जब ये चारों पार्ट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जब ये चारों एक साथ कंबाइंड होते हैं तब बनता हमारा कंप्यूटर। और जब ये चारों पार्ट्स अलग अलग होंगे तो वो सिर्फ एक अलग पार्ट्स ही होगा। जैसे अगर इस पार्ट को हम अलग कर दिए, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू अलग कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा? सिर्फ मॉनिटर हो गया। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे, ये क्या है? मॉनिटर है, डेस्कटॉप है। जब ये चारों पार्ट्स एक साथ कंबाइंड होगा तब हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर है। अब बच्चों, जब ये हम ऑन करते हैं कंप्यूटर, जब ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमको कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं, लेफ्ट साइड में आइकन्स दिखते हैं। तो ये आइकन्स फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, या फिर कोई प्रोग्राम हो सकता है। तो इसको अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? माउस पे लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे उस फोल्डर या फाइल पे, तब जाकर वो ओपन होता है। उसमें हमको जो भी वर्क करना है वो हम करते हैं। तो बच्चों, आज हम वही देखेंगे कि किस तरह से फाइल ओपन होता है, क्रिएट क्लिक करते हैं, नया फाइल क्रिएट करना है, अगर कोई फाइल एक्स्ट्रा है तो उसे डिलीट करना है या सेव करना है, तो यही सब हम आज पढ़ेंगे, लेकिन किताब की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी जानकारी बस कंप्यूटर का दिए हैं। इसके बाद एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, ये हम पढ़ेंगे किताब से। बच्चों, लेसन नंबर 8, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। विंडोज यूजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सो दैट यू कैन वर्क इफिशियंटली एंड लोकेट द इंफॉर्मेशन क्विकली। एवरीथिंग विच इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज इजीली एक्सेसिबल थ्रू द कंप्यूटर फोल्डर। बच्चों, जब हम कंप्यूटर में हमारे बहुत सारा फाइल्स और फोल्डर्स होता है, जो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम फाइल और फोल्डर में सेव करके रखते हैं। इसमें हम इजीली बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं फाइल और फोल्डर के मदद से। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द विंडो टू योर कंप्यूटर। द कंप्यूटर फोल्डर इज़ ए टॉप लेवल फोल्डर इन विंडोज़। इसमें कंप्यूटर का जो फोल्डर होता है वो एकदम टॉप लेवल में होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है, सारे आइकन्स के ऊपर होता है। टू ओपन ए कंप्यूटर फोल्डर डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर का ये आइकन है, ये देखिए इस तरह से रहता है डेस्कटॉप पे, ऑन द डेस्कटॉप। बच्चों, जब हम कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये कंप्यूटर फोल्डर विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे ये कंप्यूटर का विंडो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखिए, इसका नाम है और इसके अंदर जो भी डिस्क है, मतलब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, लोकल डिस्क, जितना डिस्क और ड्राइव है वो कंप्यूटर के कंप्यूटर आइकन्स के अंदर होता है। अब ये देखेंगे हम, कंप्यूटर फोल्डर इज़ द प्लेस यू कैन गो टू एक्सेस लोकेशंस सच एज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी और डीवीडी ड्राइव्स, रिमूवेबल मीडिया एंड नेटवर्क लोकेशन दैट आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। यू कैन ऑल्सो एक्सेस अदर डिवाइसेज दैट माइट बी कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर सच एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड डिजिटल कैमरा। बच्चों, इसमें इस
ये जो आइकन्स है मतलब ये कंप्यूटर का जो फोल्डर है, इसमें हम बहुत सारा डिस्क ड्राइव सब सेव करके रख सकते हैं, मतलब जितना भी डिस्क ड्राइव है हम इसमें सेव करके रख सकते हैं। अलग से सीडी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क, हमारा मोबाइल का जो भी नेटवर्क है इंटरनेट का, वो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का क्या आइकन है, या हार्ड डिस्क ड्राइव का आइकन है। अभी यहाँ पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। डबल क्लिक द फ्लॉपी डिस्क आइकन टू गेट द कंटेंट्स ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। यू कैन ऑल्सो स्टोर डिफरेंट फाइल्स इन दिस डिस्क। फ्लॉपी ड्राइव इज जनरली नेम्ड ए ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क में हम और भी फाइल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, और इसको ये फ्लॉपी डिस्क को ए ड्राइव कहा जाता है। अब हार्ड डिस्क पढ़ेंगे। डबल क्लिक द हार्ड डिस्क ड्राइव टू गेट द कंटेंट्स। इट हैज़ ए लार्जर अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी दैन ए फ्लॉपी डिस्क। एवरी कंप्यूटर हैज़ एट लास्ट वन हार्ड डिस्क ड्राइव लिस्ट ऑन हार्ड ड्राइव। इट इज़ जनरली नेम्ड सी ड्राइव। बच्चों हार्ड डिस्क जो होता है उससे, उसमें हम फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा स्टोरेज रख सकते हैं, और इसे सी ड्राइव कहा जाता है। डी थ्रू जेड आर असाइंड टू अदर हार्ड डिस्क ड्राइव्स पार्टीशंस। सीडी डीवीडी ड्राइव्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, मैप्ड नेटवर्क ड्राइव्स, रिमूवेबल स्टोरेज एंड पोर्टेबल डिवाइसेस। मतलब डी से जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट है उसको हम ये सब ना देख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ ए फोल्डर। ए फोल्डर विंडोज शोज द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर। इट ऑल्सो हैज़ ए वेराइटीज ऑफ पार्ट्स दैट आर डिज़ाइन टू हेल्प यू नेविगेट अराउंड विंडोज और वर्क विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स मोर इजीली। बच्चों ये देखिए ये फोल्डर है, ये पार्ट्स ऑफ फोल्डर है, इसमें हम बहुत सारा फाइल्स और फोल्डर रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारा पार्ट्स है, ये है सर्च बॉक्स। यहाँ पे जो भी फाइल या फोल्डर हमको नहीं मिलेगा हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है ये कॉलम हेडिंग, इसमें फाइल का साइज, उसका टैग्स और उसका ग्रुप, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एड्रेस बार। एड्रेस बार भी जो फाइल या फोल्डर हम ओपन करेंगे उसका एड्रेस दिखाएगा। उसके बाद है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, ये है बैक और फॉरवर्ड बटन, इससे हम बैक भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड आगे भी जा सकते हैं। उसके बाद है टूल बार। टूल बार में इससे रिलेटेड जितना भी टूल्स है यहाँ पर हमें दिखाई देगा। उसके बाद है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन जो भी फाइल और फोल्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा उसका शॉर्ट नेम यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ये डिटेल पेन यहाँ पे इस फाइल और फोल्डर का जो भी हम ओपन करेंगे उसका डिटेल्स दिखाई देगा। ये फाइल लिस्ट, यहाँ पे जो भी फाइल और फोल्डर ओपन होगा यहाँ उसका लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो यही सब जो अभी हम बताए हैं इसी को यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए एड्रेस बार, बैक एंड फॉरवर्ड बटन, सर्च बॉक्स, नेविगेशन पैन, फाइल लिस्ट, टूल बार, डिटेल्स पैन और कॉलम हेडिंग जो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद बच्चों व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर ओपन करके देखना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। यू कैन व्यू द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट आर स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव। इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन टू वर्क विथ दोज फाइल्स यू फर्स्ट नीड टू व्यू देम। आप लोगों को फर्स्ट टाइम वो फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो आप क्या करोगे, डेस्कटॉप पे ऑल प्रोग्राम इस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये मेन्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ से जो भी फोल्डर या फाइल आप लोगों को क्लिक करना है उस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये देखिए ये फाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी ड्राइव में आप सेव करके रखे हो उसको आप क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे उसके अंदर का ये फोल्डर ओपन होगा। फाइल और फोल्डर, जो भी फाइल या फोल्डर आप लोग को ओपन करना है उस पर फिर से डबल क्लिक करोगे, उसके बाद ओपन हो जाएगा और इसको
फिर डबल क्लिक करोगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी फोटो वगैरह है वो आप देख सकते हो। उसके बाद है क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर। अगर आप लोगों को नया फोल्डर क्रिएट करना है तो आप किस तरह से करोगे बच्चों? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये मेनू में जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर पे डबल क्लिक करोगे, कंप्यूटर का ये फोल्डर ओपन होगा। उसके बाद जिस भी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ए ड्राइव में, जिसमें भी आप लोगों को फोल्डर या फाइल क्रिएट करना है उस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो फोल्डर ओपन होगा। उसमें यहाँ पे देखिए ये न्यू फोल्डर है, ये देखिए बच्चों न्यू फोल्डर। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये न्यू फोल्डर आएगा, इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे न्यू फोल्डर एक फोल्डर आ जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ चार ही फोल्डर है, यहाँ पांच फोल्डर हो गया। अब यहाँ पे आपको जो भी इस फाइल फोल्डर का या फाइल का नाम देना है यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद बाहर क्लिक कर दोगे, फाइल आपका तैयार हो जाएगा, अब फोल्डर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखेंगे क्रिएटिंग ए न्यू फाइल। अब फाइल अगर क्रिएट करना है तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले एक फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है, जिसमें भी फाइल आपको क्रिएट करना है उसका फोल्डर ओपन करोगे। फोल्डर ओपन करने के बाद माउस का राइट बटन, माउस को क्या करोगे, राइट क्लिक, ब्लैंक एरिया पे, खाली जगह पे क्या करोगे, माउस को राइट क्लिक करोगे। जैसे राइट क्लिक करोगे ये ओपन होगा, उसके बाद न्यू पे जाओगे, न्यू में ये फोल्डर आया, फोल्डर पे क्लिक कर दोगे। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये देखो एक फोल्डर आ गया, यहाँ पे आप जो भी नाम देना है उसको नाम दे दोगे, फाइल तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए अगर कोई फाइल या फोल्डर आप लोगों को कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, फाइल ओपन करोगे, उस पर एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी पे क्लिक करोगे। बाद उसके बाद आपको जहाँ पे भी वो पेस्ट करना है, मतलब कॉपी करके जहाँ पे भी आपको लाना है वो फोल्डर ओपन करोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज पे क्लिक करोगे, उसमें नीचे कॉपी के नीचे ही देखिए पेस्ट होगा, पेस्ट कर दोगे तो आपका फाइल या फोल्डर जो भी है यहाँ पे देखो आ जाएगा। जैसे हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। पेस्ट करने का बच्चों कंट्रोल प्लस वी है, और डायरेक्टली अगर हमको पेस्ट कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस सी करेंगे कॉपी हो जाएगा, और जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ कंट्रोल प्लस वी कर दोगे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर मूव ए फाइल और फोल्डर, अगर एक फाइल को दूसरे फाइल या फोल्डर को एक फोल्डर, मूविंग ए फाइल और फोल्डर, अगर बच्चों एक जगह से दूसरी जगह कोई फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइज में जाएंगे, वहाँ पे कट है, कट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो फाइल या फोल्डर जो भी हम कट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो कट हो जाएगा। और क्या करेंगे, जहाँ पर भी ले जाना है उस फाइल को मूव करना है वो फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज में जाएंगे, उसके नीचे पेस्ट है, पेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे वो फाइल या फोल्डर वहाँ से, उस फोल्डर से दूसरे इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रीनेम ए फाइल। रीनेम का मतलब है अगर किसी एक नाम से हम उस फाइल को या फोल्डर को, कोई भी फाइल या फोल्डर अगर हम सेव किए हैं उसका नाम चेंज करना, ठीक है, उसको दूसरा नाम देना, उसे कहते हैं रीनेम। तो अगर कोई फाइल को हमको रीनेम करना है या फोल्डर को, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे, इसमें देखो बच्चों रीनेम का ऑप्शन दिया है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल अगर हम सिलेक्ट किए हैं उसके नीचे ऐसे आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा हमारा, इस पर हम दूसरा नया नाम लिखेंगे, नया नाम लिखने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे, ये देखिए वो नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों डिलीट ए फाइल क्या पढ़ेंगे, डिलीटिंग ए फाइल। अगर कोई फाइल या फोल्डर हमको डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइज पे क्लिक करोगे, इसमें देखो डिलीट का ऑप्शन है, जैसे हम डिलीट करेंगे तो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, डिलीट करने जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही पूछता है यहाँ पे कंप्यूटर डॉट टी ओ सी एक्स, इसका साइज बताएगा, उसके बाद इसमें बताता है आर यू शो यू वॉन्ट टू मूव दिस फाइल्स टू द रिसाइकल बिन, मतलब यहाँ से इस फाइल या फोल्डर से आपका जो भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट कर रहे हैं क्या ये यहाँ से आप लोगों को सही में डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में जाएगा, तो हम यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे यहाँ से हमारा फाइल या फोल्डर जो भी हम सिलेक्ट किए हैं वो डिलीट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ से डिलीट होने के बाद का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर में से डिलीट हो गया। कंप्यूटर में कहाँ जाता है वो? रिकवर, डिलीटिंग फाइल, मतलब रिसाइकल बिन में जाता है। अब यहाँ जाकर रिसाइकल बिन का आइकॉन इस तरह से होता है। अब उसमें जाकर हमको एक बार और डिलीट करना पड़ेगा उस फाइल या फोल्डर को, तब जाकर वो हमारे कंप्यूटर से पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे आज हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है।